सो गाइज, ये है अमेज़ोन का एक बॉक्स जो कि आज डिलीवर हुआ, और इस बॉक्स के अंदर होने वाला है यहाँ पर मल्टी विटामिन्स और फिश ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि यहाँ पर अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किया था तो आज डिलीवर हुआ है। तो अपन करते हैं कौन सा ये मल्टी विटामिन यहाँ पर होने वाला है और कैसा ओवरऑल ये प्रोडक्ट होने वाला है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। बेसिकली प्राइस वगैरह भी इसका जो कितना है, तो ओपन करते हैं इसको। ऐसे में जो प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं ले पाते हैं या फिर कहीं बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को जो ज़रूरत पड़ती है मल्टी विटामिन वगैरह की, तो वो लोग इसका डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो निकालते हैं बाहर, तो दो बोतल है यहाँ पर, ये एच के वाइटल्स की फिश ऑयल है ये, जिसके अंदर 60 कैप्सूल हैं, और यहाँ पर ये मल्टी विटामिन 30 कैप्सूल के साथ। तो मल्टी विटामिन जो है ये प्लस मैन करके, मैन के लिए स्पेशल। सो ये फिश ऑयल जो है ये होने वाला है हार्ट एंड जॉइंट के लिए, और इसको मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं यहाँ पर, और 60 कैप्सूल है। तो इसके अंदर जो होता है 180 mg EPA एंड 120 mg DHA, तो एच के वाइटल्स का है। बाकी इसकी जो वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह जो भी है, सारी पीछे यहाँ पर मेंशन है, जो आप पॉज करके ही पढ़ सकते हैं। बाकी MRP इसका है 469 करके, पर यूनिट प्राइस जो पड़ रहा है 7.81। बाकी कितने का मिलेगा मैं अभी बताऊँगा, और लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा ही दूंगा। तो ऐसे में ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो इसको बनाया गया है, और ऐसे में आप ले सकते हैं अगर आपकी एज जो है 30+ है, आपको जो प्रॉब्लम है हार्ट रिलेटेड या फिर बोन रिलेटेड, तो नो डाउट आप इसको ले सकते हैं। और ऐसे में ज़रूरी है आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर जो मेरे पास है ये एच के वाइटल्स का मल्टी विटामिन प्लस मैन, ये भाई गट हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बेस्ट यहाँ पर होने वाला है भाई। अगर इसकी वैल्यू की बात करें, सारी वैल्यू आप जो पढ़ सकते हैं क्या क्या इसके अंदर है, पॉज करके पढ़ लेना। ये थोड़ा सा कवर हो रखा है, स्टिकर लगा हुआ, इसको हटा देता हूँ ज़रा मैं। ये आप जो पढ़ सकते हैं कौन कौन से इसके अंदर जो विटामिन्स वगैरह है, क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, D-बायोटिन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन K1, विटामिन D2, विटामिन ई, जिंक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम, ये क्या है, मोलीबेडिनम, फॉस्फोरस, सोडियम। ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें ये वैल्यू लिखी है कितने, उस पर ये यहाँ मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसका MRP जो है 499 रुपये पर यूनिट। कैप्सूल का जो प्राइस पड़ा है यहाँ पर वो है 16 रुपये 63 पैसे। 30 कैप्सूल आते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू फिश ऑयल। तो इनका सर्टिफिकेट वगैरह आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इनके ऐप पे, यहाँ पर इस तरह का ये स्टिकर लगा हुआ है, चेक कर सकते हैं ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। सो यहाँ पर डोजेस क्या होने वाली है, यहाँ पर पीछे की तरफ मेंशन भी है। जो फिश ऑयल है आप जो एक कैप्सूल ले सकते हैं, और दूसरा आप जो अपने डाइटिशियन से भी जो कंसल्ट कर सकते हैं। और मल्टी विटामिन के लिए भी यहाँ पर जो सेम चीज़ मेंशन की इन्होंने, पर टैब्स तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो आई थिंक एक टैबलेट यहाँ पर ले सकते हैं मल्टी विटामिन की पर डे, मील के साथ लें तो ज़्यादा सही रहने वाला, बट फिर भी आप एक बार अपने डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें आपको कब लेना चाहिए, खाने के साथ लेना चाहिए, खाने के बाद लेना चाहिए। फर्स्ट के वाइटल्स मल्टी विटामिन प्लस मैन, इसके अंदर 30 कैप्सूल मिलते हैं, और जिसका MRP यहाँ पर है 499, पर यूनिट प्राइस जो लिखा 16 रुपये 63 पैसे। तो ऐसे में ये मिला है हमें 349 रुपये का अमेज़ोन से जो हमने मंगाया, तो इसमें पर कैप्सूल का जो प्राइस पड़ा है 11 रुपये 63 पैसे के समथिंग पड़ रहा है, मतलब 12 रुपये के समथिंग मान लीजिए आप जो इतने का मिल रहा है एक टैबलेट जो होने वाली है यहाँ पर मल्टी विटामिन की। वहीं एच के वाइटल्स का फिश ऑयल जिसके अंदर है 60 कैप्सूल, इसका जो MRP है वो है 469, पर यूनिट प्राइस जो यहाँ पर लिखा हुआ पर कैप्स का जो पड़ने वाला 7.81। तो ये हमें मिला है 349 रुपये का, 60 कैप्सूल आते हैं। ऐसे में जो पर कैप्सूल का जो प्राइस पड़ा है यहाँ पर 5.81, ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ के समथिंग मान लीजिए एक कैप्सूल यहाँ पर होने वाला है। मार्केट में हो सकता है आपको इससे सस्ते भी आपको मिल जाए, बट एच के वाइटल्स प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही इस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर बना रहा है। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है थोड़ा सा मतलब कॉस्टली लगे मार्केट में जो अवेलेबल हो उससे, लेकिन यहाँ पर ये बेनिफिशियल होने वाले हैं, और प्रॉपर रिसर्च करने के बाद जिसके अंदर प्रॉपर वैल्यू आपको मिलने वाली। और नो डाउट आप मंगा सकते हैं अगर आप जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते या फिर कहीं बैलेंस डाइट नहीं लेते, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो कई बार तो कुछ भी खा लेते हैं, लाइक कभी दाल चावल खा रहे तो दाल चावल ही खा रहे, कई बार सब्जी खा रहे तो सब्जी खा रहे, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड नहीं करते हैं, लाइक जैसे दही हो गया, फाइबर हो गया, कार्ब्स हो गया, जो भी अलग अलग खानों में मिलते हैं बेसिकली, उसको हम ऐड नहीं करते, जिसमें हमें प्रॉपर फाइबर भी मिले, प्रोटीन भी मिले, कार्ब भी मिले। कई बार पता लगा हम चावल ही चावल खा जा रहे हैं, तो उन चीज़ों से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाती, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ऐसे में ज़रूरी है कि मल्टीविटामिन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉइंट पेन वगैरह है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी वगैरह कुछ इशू चल रहा है ना, तो ऐसे में फिश ऑयल डेफिनेटली यहाँ पर बेटर होने वाला। सो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आप एच के वाइटल्स के मल्टी विटामिन या फिश ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर करना दोस्तों, चैनल बनाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब।